हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेहरे को गोरा करने के बारे में। चेहरे को गोरा करने का राज मिल गया है। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गोरी त्वचा पाएं जिससे चेहरा खिला खिला रहेगा। नंबर एक, नींबू। आधा चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इसे सप्ताह में 2 बार लगाएं। नंबर दो, संतरा। संतरे का रस चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं, फिर चेहरा धो लें। संतरे के छिलके को सुखाकर बारीक पीस लें। इससे पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा लें। धीरे धीरे स्क्रब करें, रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा। नंबर तीन, केसर। 4-5 केसर की पत्तियों को दूध में भिगोकर रख दें, फिर इस दूध को रुई से चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे स्क्रब करें। नंबर चार, पपीता। कच्चे पपीते को किस कर उसमें आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट हल्के हाथों से मलें, ठंडे पानी से चेहरा धोएं। नंबर 5, टमाटर। टमाटर के रस में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच बेसन और थोड़ी सी मलाई डालकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें। इसे सप्ताह में 2 बार लगाएं। नंबर 6, खीरा। खीरे से दाग धब्बे खत्म होते हैं। खीरे को क्रश करके रस निकाल लें। इसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच चंदन पाउडर डालकर पैक तैयार करें। इसे चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। नंबर 7, हल्दी। 1 चुटकी हल्दी, आधा चम्मच बेसन, आधा चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर और थोड़ा सा दूध। इसे अच्छे से मिक्स कर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। सूखने पर पानी से गीला करके उतार दें। फ्रेंड्स, अगर इन नुस्खों को आप ढंग से फॉलो करोगे तो आप भी यही कहेंगे कि गोरा होने का राज मिल गया। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना। और मेरी वीडियो को ढेर सारा करना है लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।